तो दोस्तों आपको एक और यहाँ मैं थ्योरी बता रहा हूँ नील्स बेल्सर की, इसका नाम है स्ट्रेन थ्योरी। तो आपको ये बार बार पेपर में पूछी जाती है अलग अलग नाम से, जैसे कभी बोलेंगे कि बताओ कि कौन से वैल्यू एडेड एलिमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जिसके कारण आपकी सोशल मूवमेंट शुरू होती है, कि या फिर आपको ऐसे पूछा जाता है सवाल कि कौन सी चीज़ें नेसेसरी हैं, नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं जिसके कारण सोशल मूवमेंट डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो आपने सिर्फ उनको ये बताना है कि या तो आप देखो यहाँ पे कार्ल मार्क्स भी कोट कर सकते हैं, अदरवाइज ये नील्स मेसर की बहुत ही एक सिंपल सी एक थियरी है। आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं, ये नील्स मेसर सेज कि ये छः अगर पॉइंट पूरे हो गए तो आपकी सोशल मूवमेंट शुरू हो जाएगी। ओके, तो ये क्या है, तो इसको कीवर्ड याद करने के हमने बनाया हुआ CSGFAC, आपको ऑर्डर में ही याद रखना है, ऑर्डर है इसका। तो जैसे बहुत ही आसान है, आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं एंड अगर गर्लफ्रेंड को AC नहीं मिला तो स्ट्रेन आ जाएगा, ठीक है जी। सिविल सर्विसेज GFAC, तो इससे कैसे, क्योंकि ये थोड़ा सा ना जैसे पेक्यूलियर पॉइंट्स हैं, एग्जैक्ट जो स्मेल्सर ने लिखा हमें वही रिप्रोड्यूस करना है, इसलिए आपको ये एग्जैक्ट याद हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज अगर लेट्स से पेपर में याद नहीं आ रहा, कुछ आइडिया याद है तब भी आप लिख सकते हो, लेकिन आई वुड सजेस्ट, हाईली रिकमेंड कि इसको बार बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। तो अच्छा, पहला सी से कंड्यूसिवनेस, कि जो आपका स्ट्रक्चर है इट शेल बी कंड्यूसिव, ठीक है। मैंने इंपॉर्टेंट जो वर्ड है जो याद रहने चाहिए वही लिखा है मैंने यहाँ पर, स्ट्रक्चरल कंड्यूसिवनेस, कि जो आप वो कह रहे हैं कि अगर आपको सोशल मूवमेंट शुरू करनी है तो आपका जो स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जिसके तहत या फिर जिसके अंदर सोशल मूवमेंट चलने की पॉसिबिलिटी हो। जैसे लेट से अगर आप किसी अथॉरिटेरियन रजीम के अंदर या फिर जैसे कोई डिक्टेटर है उसके अंदर अगर सोशल मूवमेंट चलाना चाहोगे शायद आप ना चला पाओ, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या है, कंड्यूसिव नहीं है, आप बात यहां से वहां नहीं पहुंचा सकते, ठीक है। तो यहां पर आप ये बात समझ गए कि स्ट्रक्चर आपका ऐसा होना चाहिए जो कंड्यूसिव हो, कंड्यूसिव का मतलब जहां पर पॉसिबिलिटी हो कि अच्छा एनवायरनमेंट हो कि मूवमेंट चल सकती है। देन कम्स योर नेक्स्ट पॉइंट विच इज स्ट्रेन, दैट स्ट्रक्चर शेल हैव स्ट्रेन। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसी कोई चीज होनी चाहिए जहां पर लोगों की एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में डिफरेंस हो। लोगों को उम्मीद थी बेटर की लेकिन अच्छा नहीं हुआ, और जो रियलिटी थी इट वॉज लेस, तो लोगों में कुछ द्वेष होना चाहिए, कुछ गुस्सा होना चाहिए, स्ट्रेन होना चाहिए, तो ही कहते हैं सोशल मूवमेंट शुरू हो सकती है। देन कम्स जनरलाइज्ड बिलीफ, जनरलाइज्ड बिलीफ जी सी याद है यहां पर लिख रहे थे हम, ये CS हो गया हमारा, जी आ गया, जी इज जनरलाइज्ड बिलीफ, कि सभी को विश्वास होना चाहिए। अगर हमारी पहले दो चीज़ें हो गई हैं कि हाँ कि अगर हम सब मिलकर हम अगर ज्वाइन करेंगे या अगर हम कोई सोशल मूवमेंट चलाना चाहें तो चल सकती है, कि लोग पीपल शेल बी कन्विंस्ड, उसके बाद वो बोलते हैं कि यहाँ पर इसके नेक्स्ट जो स्टेप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, एंड स्मेल्सर बिलीव्स कि ये स्टेप डिफाइनिंग स्टेप होता है। तो इसमें ये होता है प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर का, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर मतलब ऐसा कोई एक इवेंट हो जाए जिसके कारण लोगों का गुस्सा फूट जाए, प्रेसिपिटेट हो जाए। कहते देखो कि जनरलाइज बिलीव था, सभी को थोड़ा सा द्वेष है, गुस्सा है, ठीक है, लेकिन प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर वो कह रहे हैं कि बहुत देर तक लोग इकट्ठे रह के उबल सकते हैं लेकिन वो क्या होगा कि सड़कों पर नहीं आएंगे, लेकिन कोई इवेंट हो जाएगा तो वो सड़कों पर आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ तुनीसिया का, कि बहुत टाइम से वहाँ डिक्टेटरशिप चल रही है, तुनीसिया जो अपने मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं बहुत सारी अरबिक कंट्रीज़, वहाँ पे बहुत टाइम से डिक्टेटरशिप चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग सड़कों पर आ गए, लेकिन जब तुनीसिया में एक वेजिटेबल वेंडर ने खुद को आग लगा ली तो उसके बाद लोग सड़कों पर उतर आए एंड सरकारों को नीचे उतरना पड़ा गद्दी से अपनी। ये यहाँ नहीं हुआ, मल्टीपल जगहों पर हमने पहले बात की है। एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट है रोजा पार्क्स का, रोजा पार्क्स 1955 में उसको बस में चढ़ने नहीं दिया बिकॉज शी वॉज ब्लैक, तो उसको बोला गया कि आप यहाँ इस बस में नहीं चढ़ सकते, आपको टिकट नहीं मिल सकती बस में क्योंकि ये वाइट्स के लिए रिजर्व्ड है USA में। तो वो वहीं पर ही बैठ गई धरने पर कि जब तक मुझे बराबरी का हक नहीं मिलेगा मैं यहाँ से नहीं उठूंगी, बस स्टैंड पे बैठ गई वो, और उस बस स्टॉप से ही वो करते 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 भीड़ बढ़ गई, पूरी ब्लैक मूवमेंट शुरू होती है वहां से। एक इवेंट था रोजा पार्क्स, वहां पर बैठ गई जिसको वहां बस में चढ़ने नहीं दिया। तो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, निर्भया केस इंडिया में, निर्भया कांड हुआ उसके बाद ही लोग सड़कों पर उतर गए, ऐसा नहीं है कि पहले रेप नहीं हो रहे थे लेकिन प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर वाज निर्भया रेप केस। उसके बाद आप ठीक है जी, लोगों को गुस्सा आ गया, प्रेसिपिटेट हो गया सब कुछ। देन कम्स योर नेक्स्ट पॉइंट विच इज मोबिलाइजिंग फॉर एक्शन, कि लोगों को आप मोबिलाइज करोगे एक्शन के लिए, कि आ जाओ गुस्सा आ गया
और उसके बाद लेट अस जस्ट मोबिलाइज एंड आप कुछ काम करें, ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करोगे, आप राइटिंग्स आप लिखोगे, पैम्फलेट्स बांटोगे, जो भी करोगे, डेमोन्स्ट्रेशंस ऑर्गेनाइज करोगे, एंड हो सकता है कि मेंबरशिप फीस वगैरह लेकर आप अपना थोड़ा सा फाइनेंशियली भी खुद को ऑर्गेनाइज करना शुरू करोगे। एंड देन लास्ट स्टेप इज जब सरकार का कंट्रोल की बात होगी, कि अभी भी गवर्नमेंट्स के पास मौका होता है कि ये सोशल कंट्रोल कर लें। अगर कहते अभी भी गवर्नमेंट सोशल कंट्रोल नहीं कर पाई, फेल हो गई, अगर गवर्नमेंट का फेलियर हो गया सोशल कंट्रोल में, तो सोशल मूवमेंट शुरू हो जाएगी। तो वहाँ पर कहते, जैसे हमने देखा बहुत टाइम बार ऐसा होता है कि सरकार थोड़ा सा आती है, लाठी चार्ज वगैरह होते हैं, तो सोशल मूवमेंट्स वगैरह दबा दी जाती हैं। तो लेकिन ऐसा भी यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसे बोल्ड में लिखा है, समटाइम्स ओवर रिएक्शन बाय अथॉरिटीज़, कि अगर सरकार बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर दे तो लोगों को वो और इनकरेज कर सकता है वो कि सोशल मूवमेंट का पार्ट बने और लोग भी जुड़ जाएंगे उनके साथ में। जैसे आपने शायद देखा होगा कि नेशनल मूवमेंट में बहुत सारी मूवीज बनी है हमारी, गांधी एक मूवी है, उसमें जैसे जैसे अत्याचार बढ़ते गए अंग्रेज़ों की और लोग जुड़ते गए। तो ये भी हो सकता है कि सोशल कंट्रोल अगर ज़्यादा करने की ट्राई करेगी अथॉरिटीज़, तो शायद और सोशल मूवमेंट्स को इनकरेजमेंट मिल जाए। तो यहाँ पे आप एक लास्ट में थेडा स्कॉचपॉल के बारे में लिख सकते हो, कि इसको हम थेडा स्कॉचपॉल क्या बोलते हैं, जब सोशल कंट्रोल खत्म हो जाएगा, डिक्रीज इन स्टेट कैपेसिटी, हमने पीछे प्रीवियसली वीडियोस में कवर किया हुआ स्कॉचपॉल का पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये अपने पास ही मैं पॉइंट क्विकली रिवाइज करा रहा हूँ आपको, क्योंकि पेपर में आपको ये अलग अलग तरह से पूछते हैं, 20 मार्कर तक पूछा जा चुका है। तो स्ट्रेन थ्योरी में स्मेल्सर सेज कि पहला कंड्यूसिव होना चाहिए स्ट्रक्चर, देन स्ट्रेन होना चाहिए स्ट्रक्चर में, कुछ एक्सपेक्टेशन रियलिटी में फर्क होना चाहिए, जनरलाइज बिलीफ कि हाँ सभी लोग कन्विंस्ड हैं कि हाँ कोई टेंशन चल रही है, देन कोई एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होगा स्मेल्सर के हिसाब से जिसके कारण जंग शुरू होगी, सारी लोग सड़कों पर उतरेंगे, देन एक्शन के लिए मोबिलाइज और ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड होगी, राइटिंग्स पैम्फलेट्स सबको, जो लोग नहीं आए अभी उनको भी बुलाने की ट्राई की जाएगी। अभी भी वो कहते हैं सरकार रोक सकती है, लेकिन अगर अभी नहीं रोका, सोशल कंट्रोल फेल हो जाएगा, तो सोशल मूवमेंट आपकी शुरू हो जाएगी। ओके, अब इसको क्विकली यहां फिनिश करते हैं कि कुछ क्रिटिकल इसके पॉइंट्स भी देख लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स में क्या मतलब हमारे पास कि स्मेल्सर कह रहे हैं कि स्मेल्सर का क्रिटिसिज्म क्या है कि इंडिविजुअल्स आर मोटिवेटेड टू स्टार्ट सोशल मूवमेंट्स फॉर इरेशनल रीजंस, कि जरूरी नहीं है कि हर बार जो आपकी डिमांड है वो सही है स्मेल्सर, लेकिन अगेन लाइक ब्लूमर एनालाइज नहीं कर पाता कि सोशल मूवमेंट आपकी रैशनल या इरैशनल कौन से कारणों के लिए हैं, लेकिन बस लोगों को वहां पर जनरलाइज बिलीफ आ गया, चाहे वो रैशनल चाहे इरैशनल, पीपल विल सिट ऑन धरना। देन उसके बाद मूवमेंट्स एज यूज, ये क्या मूवमेंट को अनयूजुअल और एक मार्जिनल फिनोमेना देखते हैं कि कभी कभी होती हैं मूवमेंट्स, हर वक्त नहीं हो रही हैं। तो इसीलिए इसको हम नेक्स्ट अपनी थ्योरी करेंगे, आरएमटी रिसोर्स मोबिलाइजेशन, उसमें इस पर्टिकुलर चीज़ को एड्रेस किया जाएगा। एंड स्मेल्सर की थ्योरी क्या है कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से है, कि कोई फंक्शन सर्व कर रही है मूवमेंट्स भी, कि ऐसा नहीं है कि मूवमेंट्स आती हैं और कि मूवमेंट्स कोई क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा। स्मेल्सर यहाँ पे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है कि मूवमेंट भी कोई यहाँ पर स्ट्रक्चर की मेंटेनेंस के लिए या स्ट्रक्चर को इक्विलिब्रियम मेंटेन कराने के लिए ही बार बार मूवमेंट्स की जाती हैं। तो लेकिन इसका स्मेल्सर की थ्योरी का कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा हाई है, आपने आंसर में ये एंड में मेंशन कर सकते हैं हम कि हाई क्यों है, क्योंकि जो स्मेल्सर की मूवमेंट है वो मल्टी कॉजल मॉडल है, कि बहुत सारे चीज़ों पे एनालाइज करता है, 6 फैक्टर्स पे एनालाइज करता है, कंड्यूसिवनेस, स्ट्रेन, जनरलाइज फैक्टर, बिलीफ एंड सो ऑन। तो इसीलिए ये हमको आजकल, क्योंकि बहुत सारी मूवमेंट चल रही हैं, अरब स्प्रिंग चल रहा था, इंडिया में मूवमेंट चल रही हैं, चाइना में मूवमेंट चल रही हैं, यूएसए में मूवमेंट चल रही हैं, तो कह रहे हैं बहुत सारी मूवमेंट्स को एनालाइज करने के लिए बहुत ही अच्छा एक फ्रेमवर्क है, इसीलिए आजकल के ईयर्स में, रिसेंट ईयर्स में तो बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान दिया जा रहा है। तो आप इसको ऐसे करके एंड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगले वीडियो में हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी के बारे में बात करेंगे, स्टे ट्यून्ड।